Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Anonymi DS 4563. जी हाँ सर ये अरे जी जी बोले ये पुराना भाई ये तो जी 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 सर मैंने कहा आपका दोस्त आया कैसे हैं मैडम साहब मैं ठीक हूँ सर साहिल भाई आपसे बात करेंगे उन बड़ी देर से उन्होंने किसी से बात नहीं की नहीं मुझे एडम के साथ थोड़ी एक मिनट बात करनी है एक ही मिनट करोगे अरे एडम साहब तो चले गए क्या बात करने आए थे आप मेरा पॉइंट ये था हमने एक दो साल पहले एक डिबेट की थी कुरान प्रिजर्वेशन पर Okay. उस पर मेरे दो पॉइंट्स थे एक तो एडम सर से अच्छा एडम साहब से ही बात की थी ओके हाँ वो भी कुरान तो प्रिजर्वेशन वाले टॉपिक पे मेरा पहले मैं कंप्लीट करूँ हाँ कर लो तो उस टाइम हाँ तो एक दो साल पहले उस टाइम आपने दो पॉइंट्स मुझे बोले थे एक तो हमने इज्मा पर बात की थी उस पर मैंने दलील दिए थे फिर मुतवातर के टाइम हुआ था मुतवातर में उस टाइम मैंने आपको उस लेवल के दलील नहीं दिए थे जिससे आप कन्विंस हो सके तो मैं पहले एक बात का रुजू करना चाहता हूँ उस टाइम मैंने मुतवातर के टाइम ये बोला था कि कुरान मुतवातर से साबित नहीं है इस पर मैं रुजू करता हूँ और मैं आप फर्दर ये कहना चाहता हूँ अगर आप इस पर एक स्ट्रीम करेंगे तो मैं मुतवातर के रिलेटेड आपको दलाइल दूंगा अभी दे दो ना ऐसा कीजिए सूरह यासीन के को मुतवातर साबित कर दो एक सूरत मैं बोल रहा हूं अगर आप अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो अगर आप इसी हफ्ते कुरान आप किसी भी सैटरडे को आ सकते हैं ठीक है हां और दूसरी बात आपने कहा था डॉक्टर शहजाद सलीम के रिलेटेड आपने ये कहा था मैंने उसको डिबंक किया है उस पर भी मैंने आपकी वो वीडियो देखी तो उस सैटरडे हां मैं उस पर भी बात करना चाहता हूं सर आप दुनिया के किसी भी सैटरडे को कभी भी आ जाएं अगर आप कुरान की फिलहाल सिर्फ इस सैटरडे हम मुतवातर पर बात करेंगे इज्मा पर नहीं वो नेक्स्ट डे करेंगे बात ठीक है ना बस सुने आप ऐसा कीजिए जी बोलिए दो हफ्ते का वेट ले लें मैं मुतवातर और इज्मा दोनों के ऊपर आपसे बात करूंगा नंबर वन नंबर टू मैं आपसे बात करूंगा उस टाइम आपने इज्मा पर मेरा एग्री किया था तो आपने बोला था मुतवातर से कोई एक भी कुरान की सूरत साबित करो सर मैं वही बता रहा हूं सर हजरत आपको ही बता रहा हूं सूरह यासीन को एग्जैक्टली पूरी सूरह यासीन को देखें कुरान की चंद एक सूरतें चंद एक आयतें हैं जो कि हदीसों में लिखी हुई है वो मुझे पता है जी ठीक है मैंने आपको इसीलिए कहा था बड़ी सूरत का उस वक्त भी नाम दिया होगा मैंने आपको छोटी सूरत का नाम नहीं दिया इसलिए मुझे पता है चंद एक सूरतों की लाइनें हैं हमारे पास ठीक है वो चंद एक आयतें हैं हमारे पास कुरान के अंदर मैंने इसलिए आपको बड़ी बड़ी मैंने आपको सूरह बकरा का कहा होगा मैंने आपको सूरह यासीन का कहा होगा मैंने आपको सूरह रहमान का कहा होगा सो द होल आइडिया इज कि इस टाइप की जो सूरतें हैं उसको आपने मुतवातर साबित करना है हाँ अगर मैं कौसर की बात करते हैं तो सूरह कौसर को मुझे मिल जाएंगी कई हदीसों के अंदर ठीक है उसकी चेन ऑफ नरेटर भी मिल जाएंगे एक आधी अगर आयत की बात करते हैं तो बुखारी के अंदर तफसीर है कुरान की उसके अंदर चंद एक आयतों की तफसीर दी हुई है तो लिहाजा वो आयतें आप साबित कर सकते हैं मैं इसीलिए आयतों पर नहीं कहा था मैंने सूरत पे कहा था जी सर मैं बोल रहा हूँ अगर मैं जर्नली 114 सूरतों को मुतवातर से साबित करूंगा तो वो क्या चलेगा डन लेकिन जनरली साबित नहीं करना आपने ये नहीं कहना कि कुरान मतवातिर है कुरान मतवातिर है कुरान कितना है कितना बड़ा कुरान है ये किसी को नहीं पता मैं आपको दिखा दूंगा हदीसों के अंदर जो कहती हैं और मैं तो, आपको तो, सुन ले सवाल जी बोलिए करने से पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कुरान की तो 18,000 से ज्यादा आयात थी इस वक्त कुरान में 6,000 आयतें हैं तो इसका मतलब है दो तिहाई कुरान गायब है नहीं इस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम फिलहाल मुतवातिर पर फोकस करेंगे मतवातर के लिए आप मुझे किसी एक कंप्लीट सूरत को मतवातर साबित करेंगे सूरह यासीन को सूरह बकरा को सूरह आले इमरान को किसी भी एक को रैंडमली कोई भी एक छोटी वाली सूरत को नहीं दो तीन आयतों वाली नहीं वो मिल जाएंगी वो मुझे पता है अरे बकरा को साबित कर दो ना भाई सबसे बेस्ट सूरह बकरा को साबित कर देना मतवातर के साथ तो आप इस पर आप अगली स्ट्रीम कब करेंगे सर मुझे स्ट्रीम करने की जरूरत है आप आएंगे भाई टॉपिक लंबा होगा ये घंटा दो बड़े आराम से ले जाएगा मैं इसीलिए आपको थर्सडे और फ्राइडे की ओके भी नहीं दे रहा क्योंकि बाज दफा मेरे पास थर्सडे और फ्राइडे को इतना टाइम नहीं होता कि बीच में से मुझे निकलना पड़ जाता है इसी वजह से मैंने आपको इस चीज के लिए वरना जो भी मुसलमान आते हैं मैं कहते थर्सडे को आ जाओ चाइल्ड के टाइम पे फ्राइडे को आ जाओ लेकिन चूंकि टॉपिक जब आपसे बात होगा तो लंबा चलेगा इसलिए मैं आपको एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूँ
आपको, बाकी जो मुसलमान थे वो कभी भी आता था, थर्सडे को आई साहिल के चैनल पे, फ्राइडे को आई साहिल के चैनल पे, आपको मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि सैटरडे को आना, ताकि मैं फ्रीली आपसे घंटा दो घंटा जितनी देर भी होगा बात करूंगा, लेकिन रेफरेंसेस के साथ आना, और मुझे दो तीन चार आयतों वाली, पांच आयतों वाली सूरत नहीं आपने बतवाते साबित करनी, आपने बड़ी वाली सूरत साबित करनी है। लेकिन आपको मेरे रेफरेंस भी एक्सेप्ट करने होंगे, क्योंकि अगर क्यों करूं, बिल्कुल करूंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 200 साल बाद के स्कॉलर के रेफरेंस दिए थे, आपने उस टाइम वो एक्सेप्ट नहीं किए थे। मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट किए थे, झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम वो फिर सैटरडे के दिन पता चलेगा, है ना? ठीक है ना सर, बिल्कुल, आप रेफरेंस साथ में लेके आएगा, स्क्रीन पे दिखा के बात कीजिएगा, मैं कोई मसला ही नहीं। चलिए शुक्रिया, बेहतरीन सर, शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, अच्छे भाई लग रहे हैं हमारे, अच्छे से बात कर रहे हैं। मैं कुछ और समझा था यार इसको, आई एम सॉरी। हां, मेरे को भी वो नॉलेज वाला लगा था वो, हां मैं का वही आ गया दोबारा, लेकिन अपेरेंटली ही इज अ डिफरेंट गाय। बहरहाल नहीं, अगर ये लेके आता सर, चलो और क्या चाहिए हमें, लाइक हमें, हां नहीं अच्छी बात है ना, मिल जाए। और आज तक कोई मुल्ला मौलवी नहीं साबित कर पाया भाई, कहां से ढूंढ के उठा के चेन लेके आएंगे, वो भी कितना, सूरह बकरा की कितनी आयत है, 286 के आसपास है ना, 286 है मेरे ख्याल से, 280 प्लस ही है, तो कहां से उसको कौन सी हदीस में से पूरा सूरह बकरा उठा के लाएंगे, एक मुश्किल है, तो मल्टीपल चेन ऑफ नरेशन कहां से मिल जाएगी उसकी, तो पॉसिबल नहीं है। बात ये साहिल भाई के कुरान के तवातुर होना इनके मुफ्तीहान आज तक साबित नहीं कर सके, और बल्कि वो कहते हैं, रोते हैं कि यार हाँ इसकी तवातुर उस तरीके से एस्टैब्लिश ही नहीं हुई जिस तरीके से हदीस एस्टैब्लिश हुई है। सो हदीस की एस्टैब्लिशमेंट इज फार बेटर देन कुरान की एस्टैब्लिशमेंट। तो साहिल भाई इसी वजह से मैंने बहुत बार कहा कि यार कि कुरान इज द मोस्ट ज़ईफ हदीस इन द टोटल हदीसेस, क्योंकि कुरान भी मोहम्मद के मुंह की हदीस ही है, और कुरान मुंह से खुद कहते हैं कि कुरान इज अ हदीस। ठीक है, बाय द वे अगर किसी को नहीं पता, तो कुरान हदीस है चैप्टर नंबर 39 के आयत नंबर 23 में, और चैप्टर नंबर 53 के आयत नंबर 59 में, कि कुरान खुद एक हदीस है। क्यों हदीस क्यों है? हदीस है वो नई बात जो मोहम्मद ने अपने मुंह से कही, कुरान भी एक नई बात थी जो मोहम्मद ने अपने मुंह से कही थी। सो कुरान बताते खुद एक हदीस है, और बल्कि ये एडम साहब ये वाली जो खुतबा दिया जाता है जुमा का, फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, बेशक सबसे बेहतरीन हदीस जो है वो अल्लाह की किताब है। Absolutely. बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो अगर आप साहिल भाई इन सब चीजों को जेनेरिकली देखें, तो अगर हदीस के ऊपर आप एतराज उठाते हैं, तो भाई कुरान के ऊपर हदीस से ज्यादा एतराज उठता है इनफैक्ट। लेकिन ये मुसलमान आज तक ये नहीं समझ सके कि जो ज़ईफ तरीन चीज है उसको ये कह रहे हैं ऑथेंटिक है, और जो ऑथेंटिक है कंपैरेटिवली, बाय द वे हदीस भी ऑथेंटिक नहीं है। क्यों नहीं ऑथेंटिक यार साहिल भाई? आप खुद सोचे यार, फलाने ने फलाने से कहा, फलाने ने फलाने से कहा, ए ने बी से कहा, बी ने सी से कहा, सी ने डी से कहा, डी ने एफ से कहा, और एफ ने बताया, एफ ने बताया। तो इमेजिन करो, 200, 300, 400 साल के बाद, चलो 400 मैंने ज्यादा बोल दिया सॉरी, 250-300 साल के बाद एक चीज एक बंदे से आप पूछ रहे हैं कि मैं पांच जनरेशन पहले यह बात हुई थी, साहिल टेल मी हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उसे एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सको? नहीं कर सकते, ये पूरा फ्रॉड है, ये सिस्टम ही फ्रॉड है। थैंक यू। और कुरान का सिस्टम उससे बड़ा फरार है साहिल भाई, क्यों? क्योंकि आप मुझे कह रहे हो कि मोहम्मद जब इस दुनिया में था, और अबू बकर की हदीस याद है सही बुखारी की, अबू बकर ने क्या कहा था? अबू बकर ने कहा था सही बुखारी के अंदर कि यार जिस काम को मोहम्मद ने नहीं किया उसको मैं कैसे कर दूं? यानी मोहम्मद अपने जमाने में कुरान नहीं लिखवा के गया था दो पन्नों के दरमियान, मोहम्मद नहीं लिखवा गया। और अबू बकर ने कहा था कि उमर तुम मुझे कहो ना इस पहाड़ को यहां से उठा के वहां रख दो तो ये ज्यादा आसान है मेरे लिए, बजाय इसके कि तुम मुझे कह रहे हो पूरा कुरान एक दो पन्नों में डाल दो। इमेजिन यार कि पहाड़ उस जमाने में एक्सकेवेटर्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, आपको पत्थर तोड़ने हैं कईयों से, उनको तोड़ के एक जगह दूसरी, वो कह रहा है यार इस पहाड़ को मुझे कहो ना यहां से उठा के यहां कर दो ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि पूरे कुरान को दो पन्नों में इकट्ठा करना। कोई यानी 23 साल में मोहम्मद कुछ भी बोलता रहा है वो कुरान है, और वो मोहम्मद के मरने के कई सालों के बाद सो कॉल्ड इकट्ठा किया गया, और जब इकट्ठा किया गया तो वो वाला इकट्ठा वाला कुरान किसी के पास नहीं है, ही नहीं किसी के पास, किसी के पास नहीं है। और फिर आपके पास, अच्छा साहिल भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी इंडिया में और पाकिस्तान में लोग पढ़ते हैं हफ्स का कुरान, कुरान जिसे मुसफुल हफ्स कहा जाता है। साहिल मुसफुल हफ्स जो है
कहा जाता है हफ्स अन आसिम, हफ्स जिसने कुरान लिया आसिम से, राइट। आसिम ने कुरान लिया था उस्मानी, ठीक है, सो कॉल्ड, सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि उस्मानी कुरान आपके पास नहीं है, आसिम का कुरान आपके पास नहीं है, और हफ्स का कुरान जो आप इस वक्त पढ़ते हैं, हफ्स के कुरान का, हफ्स का अपना मुसहफ आपके पास नहीं है, राइट। तो इमेजिन करें साहिल भाई, क्रॉस चेक कहां से करेंगे एग्जैक्टली कि 200 साल 250 साल बाद का जो हफ्स का कुरान है, हफ्स का लिया उसने आसिम से, आसिम ने लिया उस्मान से, उस्मान का कुरान आपके पास नहीं है, आसिम का कुरान आपके पास नहीं है, हफ्स का ओरिजिनल कुरान आपके पास नहीं है, हफ्स के स्टूडेंट का लिखा हुआ जो कुरान है वो आपके पास है, जिसको आप कह रहे हैं कि ये हफ्स का कुरान है, तो मुझे बताओ कि स्टूडेंट के लिखे हुए कुरान को मैं कैसे वेरीफाई करूं कि हफ्स ने यही कुरान दिया था, और हफ्स से को कैसे वेरीफाई करूं कि हफ्स ने यही कुरान आसिम से लिया था, और आसिम को कैसे वेरीफाई करूं कि आसिम ने यही कुरान उस्मान से लिया था। सो एट द एंड ऑफ द डे यू गाइस हैव नथिंग व्हाटसोएवर टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कुरान। कुरान इज द मोस्ट ज़ईफ हदीस इन द हिस्ट्री ऑफ द ज़ईफ हदीसेस। सत्य फरमाया। That's the reality, unfortunately. एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई आए हैं हमारे साथ काफी दिनों के बाद। जी एडम भाई, साहिल भाई, सलाम। अरे सलाम सलाम अब्दुल्ला साहब, क्या हाल चाल? बस खेरे थे, आप सुनाए, आप दोनों सुनाए, क्या हाल चाल? ठीक ठाक एकदम। यार जय टेम्पलेशन कह रहे हैं कब्ज का कुरान नहीं, सर कब्ज का कुरान नहीं है हमारे पास। कब्ज का कुरान, कुरान उल कब्ज कह दे आप। अच्छा भाई, तो एक चीज तो बताना भूल गया, और हफ्स इज अ लायर, यानी हफ्स एक झूठा है, कजाब है। बुखारी कहते हैं हफ्स कजाब है, नसाई कहते हैं हफ्स कजाब है, मुस्लिम कहते हैं हफ्स कजाब है, तमाम उलमाए दीन कहते हैं कि हफ्स एक झूठा है, कजाब है, कजाब कहते हैं झूठे को, लायर है, और ना सिर्फ ये कि लायर है, चोर है, वो कहते हैं कि हफ्स एक चोर है, चोरी करता था। अच्छा, झूठे और चोर का कुरान इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है यार, हाथों से झूठे और चोर का कुरान तुम लोग मान के बैठे हुए हो, उफ तौबा। अच्छा उसमें भी बेगैरती, बेगैरती वाला लॉजिक देखो इनका, कहते हैं कि वो हदीसों के मामलों में जो है वो कज़ाब था, झूठा था, कुरान के मामले में नहीं है। साहिल मैं कहता हूँ हदीसों के मामले में भी ना हो, वो पानी के मामले में झूठा था, वो अपने जो जो लैंड है, अपना खेत है, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में खेत में पानी के ऊपर चोरियां होती हैं, ठीक है, कि पानी को एक दिन एक बंदे के खेत में जाना है, दूसरे दिन दूसरे बंदे के खेत में जाना है, तो उसके ऊपर बंद बांध दिया जाता है कि यार इस दिन वो अगर वो अपने खेत के पानी के मामले में भी चोर था, तो बुखारी ने सही और ज़ईफ को किस तरीके से जस्टिफाई किया था? बुखारी ने सही और ज़ईफ को जस्टिफाई ये किया था कि अगर एक बंदा ने जिंदगी में कभी भी अपने किसी जानवर के ऊपर भी जुल्म किया है, तो मैं उसकी हदीस को सही नहीं मानूंगा। अगर उसने अपनी जिंदगी में एक दसवां हिस्सा दिनार का उसकी भी चोरी की है, तो उसके ऊपर उसकी मैं हदीस को नहीं मानूंगा। आप मुझे कहते हो कि एक बंदे ने किसी भी चीज की चोरी की है, तो मैं उसकी दसवां हिस्सा, अंडे की भी चोरी की है, तो मैं उसकी हदीस को नहीं मानूंगा। तो मुझे बताएं, एक इतना बड़ा चोर जो कि झूठा और चोर है हदीसों के मामले में, आप उसके कुरान को कैसे मान सकते हैं? साहिल भाई मुझे ये समझाएं, अगर आप उसकी हदीस को नहीं मान सकते, तो उसके कुरान को कैसे मान सकते हैं? अभी ये तो मोमिनों को सोचना पड़ेगा ना ये सारी चीजें। अच्छा एडम भाई, ये इमाम बुखारी के ताल्लुक से रसूल अल्लाह ने भी कोई पेशेनगोई की थी कि एक शख्स जो है आने वाले वक्त में आएगा, जो सुराई के मुंह के अंदर भी हाथ डाल के जो है मतलब हदीसों के ताल्लुक से की, वो हदीसें निकाल लेगा, मतलब इतना बारीकी से काम करेगा। यार रसूल अल्लाह ने कहा था, मेरी हदीसें लिखो ही ना, बुखारी में ये भी है कि do not write what I say, मेरी इन हदीसों को लिखो ही ना, do not write my hadithes। उसने तो एक आधा, उसे पता था मैं पकड़ा जाऊंगा, मैंने इतने झूठ बोले हुए, कभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, कभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरी हदीसों को लिखो ही ना, इन डंगरों ने लिखा क्यों मुझे बताओ। देखिए मोहम्मद की मल्टीपल हदीसें हैं कि मोहम्मद कहता है डू नॉट राइट एनी थिंग विच आई हैव टोल्ड यू, ये ले, डू नॉट राइट एनी थिंग फ्रॉम मी, whosoever has written anything from me other than Quran, let him erase it. And the narrations from me, for there is nothing wrong with that, narrated by Muslim. आप मुझे बताएं, मोहम्मद ने कहा था मेरी हदीसों को लिखो ही ना, तूने लिख दी हदीसें, अब बेचारे मुस्लिम फंस गए। मोहम्मद ने कहा है
डू नॉट राइट एनीथिंग फ्रॉम मी. Whoever has written anything from me other than Quran, Quran ke alawa agar kuch bhi tumne meri taraf se likha hai, let him erase it. Use chahiye ki use mita de. Yaar mujhe batao, ye musalte jo puri puri hadith likh ke baithe hue hain, ye kaise likh ke baithe hue hain? Hadith to likhna hi gunah hai. Agar aap hadith ko mante hain, اے سنی لوگو اگر آپ حدیث کو مانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم محمد کی حدیث کیسے لکھ سکتے ہو جبکہ محمد نے بولا تھا کہ میری کسی حدیث کو لکھو ہی نہ. یہ دیکھو ڈو ناٹ رائٹ اینی تھنگ فرام می اینڈ دی ایکسپلینیشن وٹ اٹ مینس ان دی حدیث صحیح ہے. وٹ ڈز اٹ مینس ڈو ناٹ رائٹ اینی تھنگ فرام می اینڈ ہوور رائٹ اینی تھنگ بٹ قرآن لیٹ ہیم اریز اٹ مے اللہ ریوارڈ یو. اب مجھے بتاؤ اگر محمد اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میری حدیثوں کا نہیں لکھو تو بھائی تم کیوں لکھ رہے ہو؟ Why are you writing it? ساحل بھائی بتائے آ رہے ہیں مجھے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ مومن حضرات کو جتنی حدیثیں لکھی ہوئی ہے کتابیں ہیں سب کو جلا دینا چاہیے. میں کیونکہ محمد کو پتا تھا اس نے حدیثوں میں کتنی اپنگتا جاری ہوئی ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں صحیح مسلم 3004 ڈو ناٹ ٹیک ڈاؤن اینی تھنگ فرام می اینڈ ہو ایور ٹیک ڈاؤن اینی تھنگ فرام می ایکسپٹ دا قرآن مینس رائٹنگ ہی شوڈ ایفیس دیٹ اینڈ نریٹ اٹ فرام می دیر از نو ہارم ان اٹ ہی وڈ اٹریبیوٹ اینی فالسہڈ. یا فالسہڈ کی بات آ گئی ڈیلیبریٹلی, یہ سیپریٹ چیز آ گئی. ڈیلیبریٹ فالسہڈ کی بات سیپریٹ ہے. وہ کہتا ہے میری طرف سے کوئی حدیث کو لکھو ہی نہیں. دا ہول آئیڈیا از کیوں؟ اب مجھے اگر پتا ہے کہ لوگ میری چیزیں لکھ رہے ہیں اور مجھے پتا ہے میں نے بونگیاں ماری ہوئی ہیں تو میں کیا کہوں گا سائل؟ پکڑے جانے کا ڈر رہتا ہے آگے جا کے. تھینک یو سو ویری مچ. لیکن محمد کے مرنے کے ایک سال بعد کیا ہوا؟ اس کی حدیثیں لکھ دی گئی. یہاں پہ گیم چلی ہے سائل ساری. عبداللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں رسول اللہ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ میں جو ہے اپنے بعد جو ہے قرآن اور سنت چھوڑ کے آ رہا ہوں. تو ایسا رہتا تو سنت کا وہ ذکر ہی نہیں کرتے نا حدیثوں کے تعلق سے. اگر کچھ ایسا کہا جاتا تو صرف نریٹ کرنے کے لیے کہا ہے نا عبداللہ صاحب. یہی حدیث جو ابھی اس میں ہی دیکھو آپ, نریٹ کرنے کے لیے کہا ہے. مطلب منہ زبان ہی رکھو, اس کو لکھو مت. کیونکہ اسے پتا تھا منہ زبانی رکھو گے کچھ عرصے میں فیڈ ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, لوگ بھول بھلا جائیں گے. ایگزیکٹلی تاکہ آپ ریکنسائل نہیں کر سکو گے. اگر لکھو گے تو آپ ریکنسائل کرو گے کہ ایک چیز یہ ہے ایک چیز یہ ہے اور دونوں ریکنسائل کرو, ریکنسائل نہیں ہوتی. حدیثوں میں تکرار آئے گی. محمد نے اس لیے لکھنے سے منع کر دیا تھا. لائک ہی واز اے بریلینٹ مین. یار امیجن کرو یار عبداللہ میرانی اتنا بریلینٹ بندہ تھا, 23 سال اس نے قرآن دیا کہ اللہ کے الفاظ ہیں لیکن اس نے لکھے نہیں. کیوں نہیں لکھے اس لیے نہیں لکھے کہ اسے پتا ہے ایک دفعہ کچھ کہتا ہے وہ ایک دفعہ کچھ کہتا ہے. اگر لکھے ہوئے ہوں گے تو لوگ آپ بس میں تکرار کے اوپر محمد کے سامنے آ جائیں گے. محمد تو نے تو پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ دیا, یہ کیسے پوسیبل ہے؟ اس نے لکھے ہی نہیں, اس نے اسے کتابی شکل میں ڈالا ہی نہیں. ہی واز اے بریلینٹ پرسن. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ محمد سے زیادہ شاطر انسان, کننگ انسان شاید ہی اس دنیا میں کبھی پیدا ہوا ہو. اتنا شاطر انسان تھا. اور یار ملٹری کے اندر وہ جولیس سیزر کو بھی پیچھے چھوڑ گیا. ملٹری ایکسپیڈیشن اور چلاکی میں اس سے بڑا چلاک اور شاطر انسان کوئی تھا ہی نہیں. لائک امیجن 23 سال میں اللہ کا قرآن دیتا رہا, وہ لکھوایا نہیں دو پنوں کے درمیان, مر گیا لیکن لکھوایا نہیں. حدیثیں دیتا رہا اور کہہ کے مرا کہ میری حدیثوں کو کوئی لکھے نہیں. اب امیجن کرو ایسے شخص کو کہ یار کیونکہ اسے پتا ہے کہ 23 سال میں وہ پرانی باتیں نہیں یاد رکھ سکتا. محمد خود قرآن بھول جاتا تھا, حدیثوں کے اندر ہے قرآن خود بھول گیا تھا. ایک دفعہ نماز پڑھی جا رہی, کسی بندے نے قرآن کی آیت پڑھی, محمد نے کہا مجھے یاد آ گیا تو قرآن ہی ہے, میں نے دیا ہوا تھا. امیجن کرو ہی یوز ٹو فرگیٹ. اب چونکہ ہی یوز ٹو فرگیٹ اس نے قرآن کی آیت دے دی. قرآن کی آیت کیا اس نے دی؟ یہ دی اس نے قرآن کی آیت کہ اللہ جب کسی آیت کو بھلانا چاہتا ہے تو اس کو بلا کے اس سے بہتر یا اس جیسی آیت دے دیتا ہے. ناؤ پرابلم کیا ہی؟ اب محمد نے موسیٰ کا واقعہ جو میں آج دکھا رہا تھا, جب موسیٰ فرسٹ ٹائم اللہ سے ملاقات کرنے گیا تو موسیٰ کا یہ جو واقعہ جو فائر نے کہا تھا
موسیٰ جب فائر کے پاس گیا, قرآن چپٹر نمبر 20 ورس نمبر 10 سے 14 میں ہے, قرآن چپٹر نمبر 27 ورس نمبر 7 سے 12 میں ہے, اور قرآن چپٹر نمبر 28 ورس نمبر 29 سے 31 میں ہے. محمد نے تین ڈفرنٹ سالوں کے اندر, یعنی کہ 8 سال کے درمیان کیسے میں تین ڈفرنٹ موقعوں پہ موسیٰ کا واقعہ بتایا. ایک واقعہ بتایا جو چیپٹر نمبر 20 کی زینت بنا, ایک واقعہ بتایا جو چیپٹر نمبر 27 کی زینت بنا, ایک واقعہ بتایا جو چیپٹر نمبر 28 کی زینت بنا. اب یہ تینوں واقعے ایک دوسرے سے فرق ہے. اب چھو کے محمد کو پتا, اگر میں لکھوا دوں گا تو لوگ کہیں گے یار ابے اور ڈنگر یہاں پہ تھی کچھ اور بولا تھا, یہاں پہ تھی کچھ اور بولا ہے, اور یہاں پہ تھی کچھ اور بولا ہے, یہ تو آپس ملتی نہیں. اگر موسیٰ کا واقعہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور یہ اللہ نے ہی واقعہ بیان کیا ہے تو یہ تینوں واقعے ایک جیسے ہونے چاہیے. ایبسلوٹلی یہ ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ اب تفاسیر میں محمد کی ان سٹوپیڈیٹیز کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. تفسیر لکھی کی گئی ہے جسٹیفائنگ دیز تھنگز. ابھی میں ساحل کے چینل پہ لاسٹ ٹائم جو بتا رہا تھا کہ قرآن اسمان زمین دنیا 8 دنوں میں بنائی گئی کہ 7-6 دنوں میں بنائی گئی, اس بات کے اوپر ابن کثیر نے بتایا خود کہ یار یہاں پہ یہ غلطی ہے, یہاں پہ یہ غلطی ہے, یہاں پہ یہ تکرار ہے, میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں وغیرہ 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 وغیرہ. دا ہول آئیڈیا از کہ اس کو پتا تھا اگر یہ کتابی فارم میں ان لوگوں کے پاس آ گیا تو بھائی پھر تو میں فارغ ہو جاؤں گا, آئی ول بی ڈیمالشڈ, آئی ول بی ڈسٹروئڈ, آئی ول ہیو نتھنگ ایلس. کیونکہ سنگل پرسن دے رہا ہے اور دے کہہ بھی رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے, سو ہی ول بی فنشڈ. لہٰذا اس نے لکھا ہی نہیں. ابو اور عثمان کی جو ہے نا وہ پچھواڑے میں انگل آئی بھی تو اس نے کہا لکھو, اور وہ بھی پتہ نہیں لکھا کہ نہیں لکھا. یہ تو مسلمان کلیم کرتے ہیں نا, حدیثیں کلیم کرتی ہیں کہ عثمان نے لکھوایا, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں عثمانک اسکرپٹ کہ ہم ویریفائی کر سکیں ہاں واقعی عثمان نے لکھوایا. بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کیا عثمان واقعی ایک ہیومن بینگ تھا اس علاقے میں؟ مجھے تو اس کا بھی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ملتا. اچھا ایڈم بھائی, یہ ریزن ہے جو قرآن کے اندر جو ورسز کا ریپیٹیشن ملتا ہے, جو رسول اللہ بھول جاتے تھے اور بعد میں انہی ورسز کو واپس کہا کرتے تھے, تو یہ ریپیٹیشن اس کارن ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ یہ جو ورسز جو آیتوں کا بار بار ریپیٹیشن ہوتا ہے قرآن کے اندر, تو یہ جو رسول اللہ جیسے کبھی ایک آیت کو انہوں نے کوٹ کیا پھر اسی آیت کو دوسری صورت میں پھر ڈال دیا, پھر اگلی صورت میں پھر ڈال دیا, تو بار بار ریپیٹیشن ہوتی تھی آیتوں کی. یار ایک آیت جو ہے نا وہ جو اسپیسیفکلی 100% سیم ہے دو جگہ کے اوپر, وہ یہ ہے کہ تم عورتوں غلام عورتوں کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو, باقی کسی آیت میں 100% ریپیٹیشن نہیں ہے. وہاں پہ فرق ہے, یہ واحد چیز ہے جس میں 100% ریپیٹیشن نہیں ہے. لائک امیجن کرو کہ یہ واحد آیت ہے جہاں پہ چینج نہیں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک سیکنڈ رکے, آپ عربی چونکہ پڑھ سکتے ہیں لہذا آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا یہ پڑھنا, ایک سیکنڈ رکے میں آپ کو دکھاتا ہوں, ورنہ باقی تمام جگہوں پہ نا تھوڑا فرق ضرور ہے, شاید ایک آدھی اور جگہ بھی ہو, میں 100% نہیں بول سکتا. لیکن یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرے طریقے سے تاکہ ایزیلی ہم اس کو دکھا سکیں, ورنہ باقی ساری جگہوں پہ میں نے آپ کو لوط کی چیزیں بتائی, لوط کی چیزوں میں فرق ہے. ایک جگہ پہ لوط کی وہی سٹوری کچھ اور ہے, ایک جگہ پہ لوط کی وہی سٹوری کچھ اور ہے, ایک جگہ پہ ابراہیم کی وہی سٹوری کچھ. لیکن یہاں پہ دیکھیں والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فہم وانہم غیر معلومون. سیم چیپٹر نمبر 70 ورس نمبر 29-31, اور یہ کیا ہے چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 5-6, والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر معلومون. یہ کاپی بیسڈ ہے فل. اگر آپ نے سلیو لڑکیوں کے ساتھ سیکس کرنا ہے وہ فل کاپی بیسڈ ہے. اور دو ایک اور جگہ ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہی, مجھے یاد آ گیا ہے دو, ایک دفعہ اور بھی میں دکھایا تھا جب لوط کی بات ہو رہی تھی اس وقت بھی دو آیتیں کاپی بیسڈ ہے, فل کاپی بیسڈ. دا پرابلم از اللہ نے بہت لمیٹڈ قرآن دی ہے, 23 سال میں ایک دن میں 0.6 آیتیں دی ہیں محمد کو, 0.6 آئے تھے دیاری کی, اور ان 0.6 آئے تو میں بھی اللہ ریپیٹیشن کیوں کر رہا ہے مجھے یہ سمجھا دے. Why?
it is one of the utmost stupidity, quite frankly. Ex Muslim Abdul bhai, aap is stupidity ko justify kar nahi sakte. हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. नहीं वो नाइक साहब का एक्चुअली क्लेम रहता ना कि कुरान इज अ बुक जिसको आप कहीं से भी किसी भी चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करें यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कुरान. उनका क्लेम कुरान को आप कहीं भी किसी भी चैप्टर से पढ़ना शुरू करें आप अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, ये मेरा क्लेम है. कुरान को कहीं से भी किसी भी चैप्टर से पढ़ना शुरू करते आप अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते. It is impossible. ये देखे कुरान को अंडरस्टैंड करना ऐसे ही है जैसे ये है. बस बस अच्छा एडम भाई मैं ये पूछ रहा था कि जैसे जो हजरत मूसा हैं उनको फिरौन के पास जाने का जो हुक्म हुआ था वो वादी अल तुआ से हुआ था ना. हाँ जी सर जी हुआ था. हाँ तो वो इसमें उसमें जो वर्ष आती है वो इसमें अल्लाह ये कहता है कि उन्होंने अल्लाह ताला ने जो है हजरत मूसा को वादी अल तुआ में बुलाया, कॉल्ड हिम. तो ये जो वाक्य होता है मतलब ये उसके बाद का जो आप पेड़ वाला वाक्य या आग वाला वाक्य उसके बाद का वाक्य है ये. जी बिल्कुल तबा के ऊपर. जी सर